दक्षिण भारतीय इतिहास में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण वंश जो जाना जाता है वो है चालुक्य वंश। लेकिन चालुक्य वंश तीन शाखाओं में बटा हुआ था। एक वातापी के चालुक्य हैं यानी कि बादामी के चालुक्य हैं, दूसरे कल्याणी के चालुक्य हैं और तीसरे वेंगी के चालुक्य हैं। तीनों में से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन कुछ जो वंश हैं उसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हैं जो सवाल बन सकते हैं उनका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इन 60 टाइम में कम समय में यही इतना ज़्यादा चीज़ें की जा सकती हैं। जो जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण वो कर लेते हैं। तो जो बादामी के चालुक्य हैं ये सबसे चालुक्यों की सबसे प्राचीन शाखा है, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक रहे और इनका केंद्र बादामी था। अगर ये देखते हैं कि इस वंश का संस्थापक है वो पुलकेशिन फर्स्ट है। इसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। पुलकेशिन प्रथम जो बादामी चालुक्य का संस्थापक है, इसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि बादामी के चालुक्यों के संस्थापक कौन था। पुलकेशिन प्रथम था, इसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। अगर इसमें दूसरे शासकों की बात की जाए तो कीर्तिवर्मन प्रथम जो है वो बादामी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। जो बादामी एरिया है, बादामी शहर है, उसका निर्माता कहा जाता है। कीर्तिवर्धन फर्स्ट के बारे में ये बात कही जाती है। सबसे महत्वपूर्ण शासक है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बादामी चालुक्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। आप जानते हैं कि अगर आपने हर्षवर्धन को पढ़ा है तो हर्षवर्धन उत्तर भारत में जिस समय शासन कर रहा था उसी समय जो है दक्षिण में या दक्षिण भारत में चालुक्यों का जो शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख मिलता है जिसकी रचना रवकीर्त ने की, तो उसने बताया है कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य प्रसार के लिए साम्राज्य प्रसार को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन अपने दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इस कारण नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुआ और दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य प्रसार नहीं कर सका। दूसरी बात, नरसिंह वर्मन प्रथम है ये पल्लव शासक है। इससे ये स्वयं पराजित हो गया था, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम से पराजित हुआ, ये पल्लव शासक है, इससे पराजित हुआ और हर्षवर्धन को इसने पराजित किया। इसके बाद इसका महत्वपूर्ण शासक है विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय है जो नरसिंह वर्मन पल्लव शासक द्वितीय नरसिंह वर्मन से ये भी पराजित हुआ। कांची कोंड की उपाधि इसने धारण करी थी। ये जो है विक्रमादित्य द्वितीय है। तो बादामी के चालुक्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जिसकी रचना रवकीर्त द्वारा की गई है। तो ये बादामी के चालुक्य हैं। अगर हम दूसरी चालुक्यों की शाखा देखें कल्याणी के चालुक्य, तो महाराष्ट्र में एक जगह है कल्याण, वही कल्याण केंद्र है इनका। इस वंश का संस्थापक जो है वो तैलब द्वितीय था। तैलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य के जो है शासन वो वंश की स्थापना की। इसने सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसने तैलब द्वितीय ने परमार शासक उसके समकालीन परमार शासक मुंज पर 6 बार लगातार आक्रमण किया। मालवा के शासक थे परमार, लेकिन 6 बार पराजित हुआ। यानी कि तैलब द्वितीय मुंज शासक से 6 बार पराजित हुआ। अगला शासक की बात करें कल्याणी के, अगला शासक है सोमेश्वर फर्स्ट। सोमेश्वर फर्स्ट ने अपनी राजधानी मानिकेट से हटाकर कल्याणी स्थापित की, यानी कि कल्याणी राजधानी स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो सोमेश्वर फर्स्ट को जाता है। ये जो सोमेश्वर प्रथम है ये चोल शासक राजराज फर्स्ट से पराजित हुआ। चोल शासक राजराज फर्स्ट के बारे में अभी जब चोल वंश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे चोल शासक राजराज फर्स्ट महत्वपूर्ण शासक है, ताकतवर शासक, शक्तिशाली शासक है, साम्राज्यवादी शासक है। इसने जो है सोमेश्वर फर्स्ट को पराजित किया था। सोमेश्वर प्रथम ने भोज यानी कि फिर से परमार शासक भोज को पराजित करता है। लेकिन जो है ये भी तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है, यानी कि ये भी तुंगभद्रा नदी में जो है कूद कर आत्महत्या कर लेता है। अगला शासक है विक्रमादित्य छठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1076 ईस्वी में इसने चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना की थी। सवाल पूछा जाता है विक्रम संवत का संस्थापक कौन था, तो ये विक्रमादित्य छठा है। ये शासक के साथ साथ जो है साहित्य प्रेमी भी था। इसके दरबार में बिलहण नामक एक विद्वान रहता था जिसने विक्रमांक देव चरित नामक ग्रंथ की रचना की है और इसी के दरबार में
जो है विज्ञानेश्वर रहता था, जिसने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की है। और मिताक्षरा और जो है विक्रमांक देवचरित, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। मिताक्षरा जो है, ये मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है और विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की है। इस वंश का अंतिम जो है महत्वपूर्ण शासक सोमेश्वर तृतीय था, जिसने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कि अगर हम कल्याणी के चालुक्यों की बात करें तो सोमेश्वर तृतीय इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है, जिसने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब अगर हम बात करें इसकी तीसरी शाखा वेंगी के चालुक्य, ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन तब भी हमें पता होना चाहिए कि तीसरी शाखा है वेंगी के चालुक्य और इसका संस्थापक है विष्णुवर्धन। और वेंगी जो है आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर इनका केंद्र था, इसीलिए इनकी राजधानी भी वेंगी है। इस वंश का जो संस्थापक है, पहला शासक है, वो जयसिंह प्रथम है। इस तरीके से इस वंश में जो शासक हैं, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन द्वितीय तृतीय, यानी कि ये शासक महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई भी घटनाक्रम ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पूछा जाता हो। तो इस वंश को पढ़ने के लिए आप सिर्फ यही जानिए वेंगी में है, वेंगी आंध्र प्रदेश में है, संस्थापक जयसिंह प्रथम है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बादामी के चालुक्य में पुलकेश्वर द्वितीय और कल्याणी के चालुक्य में हम देखते हैं विक्रमादित्य जो है छठा, इसने विक्रम संवत स्टार्ट किया और इसने हर्षवर्धन को पराजित किया। ये चालुक्यों का शासक है। लेकिन बहुत डिटेल से जब हमें टाइम रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, जब दक्षिण भारत के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वंश आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश अपनी कला शैली के रूप में जाना जाता है। आप अभी भी जितने भी दक्षिण भारत में मंदिर देखेंगे वो पल्लवकालीन जो है मंदिर निर्माण शैली में बने हुए। पल्लवों का योगदान कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए पल्लवों से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम पल्लव राजवंश की बात करें, तो पल्लव राजवंश की बात करते हैं तो पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु है। ध्यान दीजिएगा, कांचीपुरम यानी कि कांची, वर्तमान में जो कांचीपुरम है, ये पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी और इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु ने 565 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना की और इसका जो कार्यकाल है 565 ईस्वी से लेकर 565 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक है। ये आप जानते हैं जो सिंह विष्णु शासक है, इसके दरबार में भारवी नामक विद्वान रहता था, जिसने किरात अर्जुनियम नामक ग्रंथ की रचना की है। आप जानते हैं किरात अर्जुनियम बहुत पूछा जाता है, किरात अर्जुनियम का लेखक कौन है? तो दोस्तों, भारवी है जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था, यानी कि सिंह विष्णु जो पल्लव शासक है उसके दरबार में रहता था। दोस्तों, जब हम अगले शासक को देखते हैं तो अगला शासक है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का नाम जो है साहित्य के क्षेत्र में और मंदिर निर्माण कला की शैली के क्षेत्र में जाना जाता है। महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट है, इसका जो कार्यकाल है वो 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी का, 30 साल का कार्यकाल है। इस 30 साल के कार्यकाल में इसने बहुत सारे काम किए, मंदिर निर्माण कराया और मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। ये दोस्तों, मत्त विलास प्रहसन बहुत पूछा जाता है, इसकी रचना किसने की? तो स्वयं महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो मंदिर निर्माण शैली का विकास किया, उस मंदिर निर्माण शैली में यह था कि पाषाण को काटकर जो मंदिर बनाए जाते थे, यानी कि जो एकाश मंदिर बनते थे, उस मंदिर शैली को ही नाम दे दिया महेंद्र वर्मन शैली। अभी हम लास्ट में जब मंदिर निर्माण शैली की बात करेंगे तब हम इस शैली की बात करते हैं, ठीक है। अगले शासक की बात करेंगे तो नरसिंह वर्मन प्रथम है। नरसिंह वर्मन प्रथम का जो कार्यकाल है वो 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक का है। ये पल्लव शासक में महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि ये जो है इस समय चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को इसने पराजित किया था। आपको मालूम है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था और हर्ष को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट को पराजित किया तो इस पराजय के बाद उसने विजय स्तंभ को स्थापित करवाया और चूंकि बातापी के साथ ये चालुक्य थे, बातापी को जीतने के बाद उसने बातापी कुंड की उपाधि धारण कर ली। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद उसने बातापी कुंड की उपाधि धारण की। दूसरी बात यह है कि इसने इस समय नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने श्रीलंका के जो शासक है मान वर्मन, उसको नौसैनिक सहायता भेजी थी और जो मार मनमन है वहां विजित हुआ था। मार वर्मन कहा जाता है कि जो सिंघली अनुश्रुतियां हैं महावंश है उसमें ये पता चलता है, जो मार वर्मन है
वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में रहा करता था। इसका मतलब है मान वर्मन जो श्रीलंका का शासक है वो इनके एहसानों तले दबा हुआ था। ठीक, और एक चीज और जान लीजिए, जो नरसिंह वर्मन है, नरसिंह वर्मन के कार्यकाल में ही ह्वेनसांग जो चीन यात्री है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है वो इसके दरबार में भी यानी कि कांची की भी यात्रा करता है। तो नरसिंह वर्मन के समय में कांची की यात्रा करने ह्वेनसांग भी आता है चीन यात्री। अगला शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है उसका कार्यकाल 680 से लेकर 720 तक है, यानी कि 50 साल तक ये शासन करता है। इसके समय में कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया जाता है और महाबलीपुरम और का मंदिर और सोर मंदिर बनवाए जाते हैं। ये इन मंदिरों का निर्माण करवाता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय। यानी कि अगर आप बात करेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय की, तो दोस्तों इस नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिन मंदिर निर्माण कला शैली का विकास किया उसे मामल्ल शैली कहा जाता है। अभी हम लोग इस मंदिर निर्माण शैली की बात करेंगे। अगला शासक है नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय है, इसने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए जिसमें मुक्तेश्वर मंदिर है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, और बैकुंठ पेरुमल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये पल्लव शासक मंदिरों के निर्माण में बिल्कुल मंदिरों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते। दक्षिण भारत में बने हुए आज भी मंदिर हैं इन्हीं वंशों द्वारा बनवाए गए थे। अगला शासक है नंदीवर्मन तृतीय। तमिल कभी इसके दरबार में पेरुन वेदनार पेरुन देवनार रहता था। इसने भारत बेवड़ा नामक ग्रंथ की रचना की है। और इसका अंतिम शासक है दंतिवर्मन। यह इसे विष्णु का अवतार कहा जाता है। दंतिवर्मन इसका अंतिम शासक है जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसे विष्णु का अवतार कहा जाता है। अब अगर हम मंदिर निर्माण शैली की बात करें, पल्लवों के शासनकाल में जो मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ उसमें पहली है महेंद्रवर्मन शैली। महेंद्रवर्मन शैली में हमने बताया था कि पत्थरों को काटकर गुहा मंदिर बनवाए जाते थे, गुहा मंदिर बनाए जाते थे, उन्हें कहा जाता था जो महेंद्रवर्मन शैली। और मामल्ल शैली जो है ये नरसिंह वर्मन द्वारा विकसित की गई। ये जो है एकाश्म पत्थर से बनाए जाने वाले मंदिर हैं। और अगर हम देखें मामल्ल शैली में बनाए गए मंदिरों में धर्मराज मंदिर बनाया गया और द्रौपदी यानी कि ये रथ मंदिर हैं। इन्हें मामल्ल शैली के मंदिरों में जो बनाए जाते हैं इन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। और रथ मंदिर जो है पल्लवों के बहुत फेमस मंदिर हैं। इन रथ मंदिरों में इनमें सबसे बड़ा जो है धर्मराज मंदिर है, सबसे छोटा छोटा द्रौपदी मंदिर है। राजसिंह शैली में पाषाण और ईंटों द्वारा जो वर्तमान समय में उत्तर भारत में बनाए जाते हैं यानी कि पत्थर और ईंटों को जोड़कर जो मंदिर बनाए जाते हैं ये जो है ये राजसिंह शैली है। इस शैली पर बने हुए मंदिर हैं कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ मंदिर, पेरुमल मंदिर और सोर मंदिर। और छोटे छोटे मंदिरों के निर्माण की जो शैली है उसे नंदीवर्मन शैली कहते हैं। इसका मतलब पल्लवों के काल में चार प्रकार की मंदिर निर्माण शैली है। एक है महेंद्रवर्मन शैली यानी कि गुहा मंदिर पत्थरों को काट कर बनाए जाते हैं। दूसरी मामल्ल शैली है, मामल्ल शैली एकाश पत्थर में बनते, इन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। और तीसरी है राजसिंह शैली जो पाषाण और ईंटों को जोड़ कर बनाई जाती। चौथी है नंदीवर्मन शैली, इसमें छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पल्लव काल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पल्लव काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कला के क्षेत्र में यानी कि जो कला जो आप कह सकते हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में मंदिर निर्माण शैली में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और बार बार सवाल पूछे जाते हैं मंदिर निर्माण में कौन मंदिर किसने बनवाया, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप पल्लव शासन देख सकते हैं, पल्लवों को पढ़ सकते हैं, इसका रिवीजन करके जाइएगा। इसमें से आपको हर बार सवाल आते हैं तो संभावनाएं रहती हैं कि इससे आपको सवाल मिल जाएंगे। थैंक यू।